एक छोटा सा परिवार चलाना है, मैनेजमेंट चाहिए। एक घर चलाना है, मैनेजमेंट चाहिए। किचन चलाना है, 5 व्यक्ति का खाना बनाना है रोज उठ के, मैनेजमेंट चाहिए। यहां से आपको 10 लोगों को लेके बॉम्बे ट्रिप पे जाना है, मैनेज करना पड़ेगा। हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए। एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो मैनेजमेंट तो चाहिए, और मैनेज कर ही रहे हैं सब कुछ। मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द बेस ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिक क्या है मैनेजमेंट का? अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो मैनेजमेंट आपका पुअर रह सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, वेयर इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम को मैनेज आप घड़ी में कर रहे हो, रिस्ट वॉच में टाइम को मैनेज कर रहे हो? टाइम मैनेजमेंट कहां है? इट इज माइंड मैनेजमेंट। जहां पे जिस टाइम पे पहुंचना है वहीं पे पहुंचते ही हो, अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो वो टाइम मैनेजमेंट है। तो यहां प्रायोरिटी सेट करते हो, ये कार्य मुझे कल सुबह में उठ के करना है, अगर आप डिसाइड करते हैं, इफ योर माइंड इज अलाइंड विथ इट, माइंड सपोर्ट करता है तो वो कार्य करते ही हो। सो टाइम मैनेजमेंट बाहर नहीं है, इट इज हियर। माइंड को मैनेज करना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी मैनेजमेंट, स्टाफ का मैनेजमेंट, टीम का मैनेजमेंट, एनर्जी का मैनेजमेंट, मशीन्स का मैनेजमेंट, इनकम का मैनेजमेंट, पैसे कहां से आएंगे, कहां देंगे, जो भी टास्क आते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन का भी एक अपना मैनेजमेंट होता है। सपोज आपने बिजनेस का ये सोचा है कि 6 महीने में बिजनेस मेरा यहां से यहां पहुंचने वाला है, पर नहीं पहुंचा। सपोज 6 महीने के बाद कुछ देश की परिस्थिति कुछ एकदम से अलग ही है जो आज आपने सोचा ही नहीं है, और अचानक आपको लगता था कि 6 महीने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, पर अब स्थिति ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है और कुछ उल्टा हो गया। हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, यस और नो? इसको कहते हैं क्राइसिस। क्राइसिस आ गया, क्राइसिस आपके हाथ में नहीं है, पर स्टिल यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज क्राइसिस ऑल्सो। दिस इज ऑल मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, जानना चाहते हैं? ऐसे करो, सेल्फ मैनेजमेंट, दिस इज अ बेसिक। यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर ओन सेल्फ। अपने आप में ये कला को सीखना पड़ेगा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो लंबी रेस को सर करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, सेल्फ को मैनेज करना है। हर मोमेंट में आप बाहर मैनेज नहीं करते, कुछ अंदर मैनेज कर रहे हैं, और अंदर जो आपने मैनेज किया उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई देता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, यस और नो? अंदर मैनेज करना सीख लिया, कोई भी स्थिति में अपने आप को संभालना सीख लिया, तो फिर आप बाहर राजा की तरह हर चीज, हर चेंज को संभाल सकते हैं। यू नो सेल्फ मींस व्हाट? व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? ये बहुत बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक बात है, सिर्फ मैं ऊपर से आपको बता रहा हूं, लेकिन उसको जानने की कोशिश करना और लाइफ में आपको ये चीज बहुत आगे ले जाएगी। देयर आर 7 लेयर्स। थोड़ी स्पिरिचुअल बात है, बट इसका नॉलेज आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम लगेगा। फर्स्ट लेवल इज बॉडी, सीधा हेल्थ को मैनेज करना सीखा। आपने 25 की साल में करियर शुरू किया, 35 तक पता भी नहीं चलेगा, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते। फिर 35 40 के हो गए तब हेल्थ डिमांड करना शुरू करता है, और 40 से 45 में पता चलता है यार मेरी हेल्थ काफी डिटोरिएट हो गई है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमने ये मैनेज करना नहीं सीखा, तो इसको सीखना है। सो फर्स्ट लेयर इज बॉडी, सेकेंड लेयर इज ब्रेथ। अपने कार्यों में सफल होने के लिए प्राणा को समझना, हमारे अंदर खजाना पड़ा है, और अपने कार्यों में अपने खजाने को, अपनी ऊर्जा को लगाना, वो तभी समझ पाते हैं जब प्राण को समझ लिया। प्राण को मैनेज करना, इट इज लाइक रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है बॉस, एंड यू आर प्लेइंग अ गेम। वो रिमोट कंट्रोल प्राण, आपने उसका विज्ञान को सीखा अपने जीवन में, एडॉप्ट करते गए। बिजनेस क्या, आप
कोई भी चीज सक्सेसफुली कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट दिस कंट्रोल प्राण. थर्ड इज योर माइंड. माइंड इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन टू यू फ्रॉम गॉड. ईश्वर ने दिया हुआ एक वेरी वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है अपना मन. अपने मन के अंदर अपार शक्ति है, खजाना है, और उसका गेम ऐसा है कि यही मन आपको आगे जाने में सपोर्ट करता है. आप ही का मन आपको आगे जाने में सपोर्ट करता है. इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला, आपके जीवन में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल्स को खत्म करके रास्ता बनाने वाला वो आपका मन है. और आप ही का मन आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स डालने का काम भी करता है, आपको फंसाने का भी काम करता है. दिस इज योर ओन माइंड. आर यू हियर? सो मन को और जानना. आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. चौथा है अपनी बुद्धि को जानना. एक सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी बुद्धि को शार्प रखता है. शार्प बुद्धि मीन्स क्या? मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत, उसका फैसला मैं खुद करूंगा. आपके ओपिनियन के आधार पे मैं नहीं चलने वाला हूं. आप कहो बेवकूफ तो मैं बेवकूफ बन गया. आप कहो अरे ये मत कर तेरे से नहीं होगा तो मैं फंस गया. नो, मुझे ये पता है मुझे क्या करना है. मैं मेरा रास्ता मैं खुद चुनूंगा और खुद बनाऊंगा. एडवाइस मैं 10 की ले सकता हूं, 50 की ले सकता हूं, पर मेरी आवाज को सुनना ये बुद्धिशाली का काम है. मुझे पता है मुझे कौन से रास्ते पे कहां जाना है, कैसे मेरा नेक्स्ट मूव होगा. जो मैं अभी ओरिजिनल की बात कर रहा था, इट इज योर इंटेलेक्ट. उसको शार्प बनाते जाना. नेक्स्ट इज मेमोरी. अपने शास्त्रों में कहा है जो व्यक्ति चित्त की शुद्धि कर पाया वो आगे बढ़ा लाइफ में. चित्त माने मेमोरी, माने स्मृति, माने स्टोर हाउस, हार्ड डिस्क. उसको खाली करने का प्रोसेस आपके पास होना चाहिए. आपको कोई बड़ा कार्य करना है और वो बड़े कार्य करने की हिम्मत कब आती है? हिम्मत को तोड़ने वाला फैक्टर क्या है? कि कल की निष्फलता. कल की निष्फलता की वजह से आगे कुछ करना है उसका डर है और आप नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कल मैं असफल हुआ था. किसी की असफलता देखा और वो माइंड में स्टोर हो गई है तो हम कोई हिम्मत नहीं कर पाते. आर यू गेटिंग दिस? ये बैड एक्सपीरियंस को निकालना पड़ेगा, अपने डस्टबिन में से साफ करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले कल में आप कुछ भी करने के लिए माइंड फ्रेश है, जब ये कचरा खाली हुआ है. कितने लोग अग्री है इस बात से? वो कैसे हो सकता है? सुदर्शन क्रिया एंड मेडिटेशन. देयर इज नो अदर वे. 26 साल के अनुभव के बाद मैं ये बता सकता हूं कि पढ़ पढ़ के मेमोरी शुद्ध नहीं हुई, चित्त खाली नहीं हुआ, बल्कि उसमें और भरा हमने. चित्त साफ होता है उसके लिए आंख बंद करके बैठना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. एक जगह पे एक कंपनी में ट्रेनिंग हो रही थी स्टाफ की. बोले स्टाफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव करना है, हमारे इंजीनियर्स को और ज्यादा प्रोडक्टिव करना है, तो ट्रेनिंग हो रही थी. तो ट्रेनिंग में कोई भी स्लाइड नहीं था, कोई भी लेक्चर नहीं था, कोई भी पुस्तकें नहीं थी, कुछ भी नया नहीं सिखाया गया. पर एक चीज सिखाया गया कि जो अभी तक सीख सीख के जो भर के रखा था, सुन सुन के जो भर के रखा था, वो खाली करने का ट्रेनिंग था. ताकि इतना चीजें भर दिया था, अब उसको पता ही नहीं था कि मैं करूं क्या, कौन सा अप्लाई करूं. तो बोले पहले खाली हो जाओ भाई. तो ये मेमोरी को खाली करने की कला सीखना पड़ेगा. एंड सिक्स्थ इज ईगो. दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट. ईगो को क्रॉस करना सीखना, तब जाके टीम बिल्डिंग प्रॉपर होगा, एकत्व आएगा, वननेस आएगा. आप ही का ईगो आपका पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है और आप ही का ईगो आपको खा जाता है, खत्म भी कर देता है. आप ही का ईगो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है. आप कहते हैं ना मैं कर लूंगा बॉस, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को मैं करूंगा. दैट इज ऑल्सो ईगो, पर इट इज कंट्रोल्ड बाय यू. इट इज प्रोडक्टिव ईगो. वो होना जरूरी है एक बंदे में, तभी वो जाके आगे बनता है, जाता है. कुछ बड़ा करने की तमन्ना, मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं बॉस, ये भी तो ईगो है. बट वो जो मैं है उसमें आप फंसे नहीं है. और दूसरा है आप ही का ईगो आपको खा जाता है, तो ईगो को शार्प करते रहना, वो भी मेडिटेशन से होता है. और लास्ट इज
सेल्फ। ऐसे करो, पूरी दुनिया में घूमो थोड़ा सा, जर्मनी गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, चाइना के मार्केट में घूम के आए, इटली गए, इधर गए, उधर गए, इधर टाइप किया, उधर टाइप किया, फिर बाद में घूम घूम के घर पे आके खिचड़ी खाते हैं, तब मजा आता है। कितने लोग अग्री है इस बात से? यू हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन, यस और नो? सेल्फ। बिजनेस करो तो भी इधर रह के करो, इधर जाओ लेकिन उधर खो नहीं जाना, कम बैक अगेन एंड अगेन, दिस इज सेल्फ, बीइंग विद सेल्फ। आपको कोई चीट नहीं कर सकता बॉस, आप कभी खड्डे में गिर नहीं सकते, अगर गिर भी गए तो तुरंत उठ जाओगे, क्योंकि इधर स्टेडीनेस सेल्फ के साथ रहने का एक आदत बन चुका है। कोई भी क्राइसिस को मैनेज कर पाओगे लाइफ में, कोई भी स्टाफ को मैनेज कर पाओगे, कोई आपका स्टाफ दुश्मन बन गया है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो भी आप उसको शांत कर दोगे अगर आप यहां से ऑपरेट कर रहे हैं तो। कितना भी बैलेंस जीरो हो जाए, जीरो से वापस उस स्थिति में आ जाओगे अगर आप वो सिचुएशन को इधर से ऑपरेट कर रहे हैं तो। सेंटर्डनेस। एंड लास्ट की जो मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपको ग्रो होना है, आपके ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में। इतना सब सुनने के बाद दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 15-20 मिनट, सब कुछ छोड़ के आंख बंद करके अंदर बैठे, स्टार्ट मेडिटेटिंग, और वो एनवायरनमेंट को बनाओ। लर्न सुदर्शन क्रिया, टीम बिल्डिंग को स्ट्रांग करना है, उनको सुदर्शन क्रिया सिखाओ, एक एनवायरनमेंट पैदा करो अपनी ऑफिस में जहां पे ये सब चीजें प्रैक्टिस हो। मैं प्रॉमिस दे सकता हूं कि एक साल के बाद आपका बिजनेस का ग्रोथ गारंटेड गारंटेड बढ़ेगा। अच्छा, फिर आगे जाके सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन तो आपने सीखा, फिर आगे जाके जैसे ये टीम बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था, लीडरशिप की बात है, या कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करना। कम्युनिकेशन स्किल मींस व्हाट? सिर्फ बोलना वो कम्युनिकेशन नहीं है। आपने कुछ बोला और किसी ने कुछ सुना, वो सुन के उसने कुछ मैसेज लिया और उसके आधार पे कुछ एक्शन किया और वो एक्शन का कोई रिजल्ट निकला और वो रिजल्ट घूम के वापस आपके पास आया। तो आपने कुछ बोला ये, लेकिन घूम घूम के वापस कुछ और आया। आप एक ही व्यक्ति को सूचना देते हैं, माय डियर आपको आज शाम तक ये काम करने हैं, और शाम को आपने रिजल्ट देखा तो कुछ और ही था, तो आप उसके ऊपर चिल्लाते हैं, यस और नो? गुस्सा करते हैं कि मैंने तुझे ये बोला था, तुम ये करके आए। कम्युनिकेशन वो नहीं है कि आप क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन वो है कि वो व्यक्ति क्या समझता है, कम्युनिकेशन वो है उसने समझ के क्या किया, कम्युनिकेशन वो है कि अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट मिला। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ बिग गैप इन कम्युनिकेशन, माय डियर। आप कहते हैं मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है मेरी, पता नहीं आजकल का जनरेशन क्या है, कैसे है। अब जनरेशन को, बच्चे को कहां कब तक गाली देते रहेंगे? अरे देयर इज अ गैप इन कम्युनिकेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है 20 साल का, उसको फादर की बात नहीं मानना है, ऐसा नहीं है, पर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे फादर मुझे एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। आर यू हियर विथ मी? कि एक दूसरे को ब्लेम करने का बात नहीं है कि तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, और सामने वाला भी सफोकेट हो रहा है, पर आप कहना क्या चाहते हैं, अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ब्लेमिंग। सत्य को यह जानना पड़ेगा, देयर इज अ गैप, कम्युनिकेशन का गैप है। तो ये सब चीजें अगर सीखना है तो एक अलग वर्कशॉप है, दैट इज कॉल्ड आई एक्सेल आई लीड। इफ यू वॉन्ट टू लीड इन योर लाइफ तो एक्चुअली आपको अपने आप को एक्सेल करना पड़ेगा। एक्सेल करना मीन्स उत्तम, सर्वोत्तम, अपने आप को हर स्टेप पे आप उत्तम करते गए, पॉलिश करते गए, पॉलिश करते गए, ऑटोमेटिक आप लीड करते गए, और वो आप अपनी कंपनीज में अपने लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स डेफिनेटली करने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो?
वो आपके कार्यों को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. सो क्लैप फॉर योरसेल्फ.